नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN न्यूज। कर्नाटक के सियासी मैदान में आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारी खबरें देखी होंगी। सुबह भी आपने कहीं ना कहीं हमारे कलीग द्वारा देखा होगा कि किस तरीके से BJP मौका परस्ती के ऊपर काम कर रही है। वो चाह रही है कि किस तरीके से लगाम ढीली हो और वो लगाम को पकड़ ले, यानी कि कांग्रेस की लगाम जो है ढीली पड़ते ही JDS का साथ लेकर के BJP कर्नाटक में सरकार बनाने के दम पर कहीं ना कहीं कुछ करने वाली है। अब ऐसे में बात ये आ जाती है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जो दलित राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं BJP फंसती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस कर्नाटक चुनाव में BJP से UP और गुजरात का चुन चुनकर बदला ले रही है। हालत ये हो गई है कि BJP दलित, लिंगायत और कन्नड़ अस्मिता पर बिछाए गए कांग्रेस के जाल में उलझती जा रही है और रास्ता नहीं सूझ रहा है। क्योंकि कल जो खबर आई थी कि VS येदुरप्पा हैं, वो रूठे हुए विधायकों के संपर्क में हैं और हो सकता है कि जल्द वो कुछ ना कुछ खबर दे दें ऐसी जो कर्नाटक के लिए बहुत ज़्यादा नई हो और कर्नाटक का जो नाटक है फिर से चलने लगे। अब BJP को किस तरीके से कांग्रेस फंसाने में लगी है मैं आपको बताता हूँ। धर्म और जाति की राजनीति धीरे धीरे कर्नाटक चुनाव को भी अपने आगोश में लेने लगी है। आलम यह है कि आहिस्ते आहिस्ते अस्मिता का सवाल लोगों के दिलो दिमाग पर छाने लगा है, यानी कि लगता है कि कांग्रेस UP के साथ साथ गुजरात चुनाव का बदला भी BJP के ही चालों से ले रही है और बचाव में हाँपती हुई BJP लगातार भूल सुधार के उपाय ढूंढती नजर आ रही है। BJP से ना तो अंबेडकर के नाम पे राम नाम का तड़का लगाने से दलित खुश हो रहे हैं और ना ही लिंगायत समुदाय उससे धार्मिकता का पाठ पढ़ने को तैयार है और उसका राष्ट्रवाद तो कन्नड़ अस्मिता से लोहा लेने में बगले झांकने लगा है। अब हो क्या रहा है कि कर्नाटक में देखा जाए तो दलित पॉलिटिक्स का जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से बाहर आ रहा है। दलितों को लेकर के कांग्रेस ने BJP को पूरी तरीके से फंसा दिया है। अब मैन स्ट्रीम में तब आया जब राहुल गांधी ने SC ST एक्ट को कमजोर किए जाने का आरोप लगाते हुए विरोध का झंडा बुलंद कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे मामलों में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर राहुल गांधी और उनके साथियों ने केंद्र की मोदी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार ने दलितों के इस मुद्दे पर ठीक से पक्ष नहीं रखा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसला सुना दिया। अब कांग्रेस का कहना ये भी है कि कानून में हुए बदलाव के बाद से दलित असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। उनको डर है कि जिस तरीके से हमारे ऊपर जुल्म होते थे, जिस तरीके से हमें सताया जाता था, वो अब कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं के साथ इस सिलसिले में राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपनी बात रखी, साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करने की मांग की है। असर ये हुआ कि पहले NDA और फिर BJP के अंदर भी दलितों के मुद्दे की आवाज़ें उठने लगीं। रामविलास पासवान ने नाराज़गी जताते हुए पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग रखी थी। फिर पासवान के साथ ही थावरचंद गहलोत, अर्जुन राम मेघवाल, अजय टमटा सहित कई BJP नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी पीड़ा शेयर की। अब हुआ क्या कि बहराइच से BJP सांसद साध्वी सावित्री बाई फुले को बगावत पर ही उतर आई। 2 अप्रैल को दलितों के भारत बंद की कॉल से एक दिन पहले सांसद फुले ने भी लखनऊ में धरना देने की घोषणा कर दी। फुले का गुस्सा उनकी बातों से झलकने लगा था। कहा जाता है कि हम संविधान बदलने चले हैं, कई बार कहा जाता है कि आरक्षण सप्ताह समाप्त कर दिया जाना चाहिए, कभी कहा जाता है कि आरक्षण की नीति में हम फिर बदल कर देंगे। साध्वी फुले ने तो BJP को ही सवालों के घेरे में ले लिया था।
आरक्षण, अगर आरक्षण और संविधान की सुरक्षित नहीं है तो फिर बहुजनों के अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे? सवाल ये है। जब बीजेपी को लगा कि ऐन चुनाव के बीच मामला सारी हदें लांघने लगा तो पुराने पिटारे से कुछ अमृत वचन खोजे। क्या असल में यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने अंबेडकर के नाम में राम नाम का तड़का लगाने का सुझाव दे रखा था? महाराष्ट्र के ही रहने वाले नायक ने इसकी शुरुआत भी वहीं कराई। फिर आओ ना देखा ताओ योगी सरकार ने अंबेडकर के नाम के साथ रामजी जोड़ डाला। भीमराव रामजी अंबेडकर अजीब हाल है। राज्यसभा चुनावों में बीएसपी के उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर हार जाते हैं और बाबा साहब के नाम में राम का नाम जोड़कर कर्नाटक चुनाव और आगे 2019 की वैतरणी पार करने की कोशिश हो रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि राम नायक ने नाम को लेकर ही सवाल पूछे जाने लगे हैं। मायावती ने तो महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र करते हुए विरोध जताया था। पूछा जा रहा था कि महामहिम राम नायक के नाम में उनके पिता का नाम क्यों नहीं है। राम नायक के पिता का नाम दामोदर नायक है, फिर तो इस हिसाब से उन्हें अपना नाम लिखना चाहिए राम दामोदर नायक। येदुरप्पा को भ्रष्ट बोल देने और ट्रांसलेटर की गलती से उभरने में जुटी बीजेपी के लिए अमित शाह के सभा में ही विवाद हो गया। दलित नेताओं के सम्मेलन में जब किसी ने सवाल पूछा तो उसका माइक ही छीन लिया गया। और यही नहीं, धार्मिक भावनाओं की भावनाओं ही लिपटा हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस अब तक बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने और धार्मिक भावनाएं जो है भड़काने का आरोप लगाती रही है। अब कर्नाटक जो है, कर्नाटक में सिद्धारमैया की कांग्रेस सरकार की लिंगायत अलग धर्म का दर्जा देने की सिफारिश कर लीड ले ली। अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में जो चुनाव आचार संहिता के चलते कुछ भी नहीं कर पा रही है। कर्नाटक विधानसभा में 225 सीटें हैं और लिंगायत समुदाय का 100 से ज़्यादा सीटों पर सीधा असर माना जाता है। गुजरात चुनाव में जहां कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में मंदिर मंदिर जाकर माथा टेकने की होड़ लगी हुई थी, अब कर्नाटक में यही हाल मठों के साथ हो रहा है। मठों में हालात ये है कि कभी राहुल गांधी लाव लश्कर के साथ धावा बोल रहे हैं और अमित शाह की आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। नतीजा ये हुआ है कि जिस तरह दलितों के मुद्दे पर चुनाव यूपी चुनाव के वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मोर्चा संभालना पड़ा था, कर्नाटक के लिए एक बार फिर से मैदान में कूदना पड़ा है। अब कन्नड़ अस्मिता का दाव जो खेला गया था कि दलित और लिंगायत से भी दिलचस्प हो गया है कि कन्नड़ अस्मिता का मामला गुजरात अस्मिता के नाम पर कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में छकाने वाली बीजेपी को अपना ही दाव उल्टा और भारी पड़ गया। अब बीजेपी राष्ट्रवाद के सारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है तो कांग्रेस ने चार कदम आगे बढ़कर उसे कन्नड़ अस्मिता के नाम पर फंसा दिया। कर्नाटक के लिए अलग झंडे के साथ ही सिद्धारमैया सरकार की दंगों के दौरान कन्नड़ समर्थकों के खिलाफ दर्जा आपराधिक मुकदमे वापस लेने की रणनीति की भी बीजेपी मुश्किलें बढ़ा रही है। तो ऐसे में जो चीज़ें देखने को मिल रही है, सरकार जीडीएस और कांग्रेस की है। अब इस दौरान कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जो सियासत है वो कहीं ना कहीं अलग तरीके की। जो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें ऐसी हैं जो कर्नाटक के चुनाव के वक्त देखने को मिली थी। अब उसी तरीके से बीजेपी किस तरीके से आगे चल कर के भी बदला लेने की कोशिश कर रही है, यानी कि यूपी और गुजरात का जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी कांग्रेस को बहुत बुरी तरीके से हार मिली थी। अब इसी हार का बदला कांग्रेस अब धीरे धीरे ले रही है। जिस तरीके जेडीएस से समर्थन किया उसने और आफाधापी में समर्थन करने के बाद जो चीज़ें सामने आई, और उसी दौरान कहीं ना कहीं बीजेपी ने आपाधापी में शपथ ग्रहण करवा दी और सारी चीज़ें, पर सारी चीज़ें उल्टी ही पड़ती दिख रही हैं। लेकिन जिन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस ने बीजेपी को ही उसकी रणनीति के चलते घायल कर दिया, अब आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या
क्या बीजेपी कांग्रेस को मात दे पाएगी इन सारे, क्योंकि हर राज्य के अलग अलग सिमिलरिटी जो है देखने को मिलती है, हर चीज मुद्दे एक जैसे होते हैं, तो इन चीजों के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार कौन है कौन नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी की जो जुबानी जंग है वो हमेशा चलती रहती है, लेकिन चुनाव के दौरान ये जुबानी जंग बहुत तेज हो जाती है, इस हद तक हो जाती है कि किसी को कुछ भी कहने में कोई गुरेज नहीं होता है। अब मुद्दों के आधार पर बात नहीं होती है, विकास पर बात नहीं होती है, अब चाहे वो जाति धर्म का ध्रुवीकरण को लेकर के हो, चाहे जाति धर्म को लेकर के हो, चाहे आप अलग अलग मुद्दों को लेकर के हो, धर्मों को लेकर के हो, पर्सनल चीज़ों पर अटैक करते हुए कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ती हैं। तो देखना होगा कि कर्नाटक में आखिर जो अभी भी जो स्थिति गड़बड़ चल रही है कांग्रेस और जेडीएस के बीच, क्या बीजेपी उसको भुना ले जाएगी, देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।